बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, दी अरब इन्फो चैनल में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, खुरूज ओहदा में तोसी हो सकती है या फिर नहीं, और साइक खास के हवाले से खुरूज ओहदा के बारे में क्या कहा गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप लोगों के साथ आज की वीडियो में ही शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये तमाम डिटेल जानने के लिए इस वीडियो को लाजमी से लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पे करते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि सऊदी अरब में गैर मुल्की मुलाजमीन को दो ज़िम्रों में तकसीम किया जाता है, जिनमें पहला ज़िम्रा घरेलू मुलाजमीन पर मुश्तमिल, जबकि दूसरे को कमर्शल की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। घरेलू मुलाजमीन में ड्राइवर, खादमा, चौकीदार, बावर्ची, फैमिली ड्राइवर वगैरह शामिल हैं, जबकि तजारती शोबे के मुलाजमीन का शुमार दूसरी कैटेगरी में किया जाता है। दोनों शोबों के मुलाजमीन में बुनियादी फ़र्क फीसों का होता है। यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करना चाहूँगी कि अफसर अकाउंट से इकामा की तजदीद के कमांड देने से कबल कारकुन के इकामा की फ़ीस अदा करना बहुत ज़रूरी है, जो कि बैंक के ज़रिए अदा की जाएगी। फ़ीस अदा करने से कबल इकामा तजदीद नहीं किया जा सकता। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को मस्ट फॉलो कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक बिल्कुल नई अपडेट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।